आस्तीन में डिजाइन बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई मैंने 5.25 इंच रखी है। यह तैयार होकर 4 इंच की रहेगी। इस तरह से हम आस्तीन वाले कपड़े की सीधी साइड को अस्तर के ऊपर रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। और इसको पलटकर अस्तर वाले कपड़े पर हमें एक सिलाई लगानी है। अब इसको उल्टी साइड मोड़कर इसके किनारे पर तथा इसके चारों ओर हमें सिलाई लगा लेनी है। हमने इसके चारों ओर सिलाई लगा ली है। ये मैंने कुछ पीसेस लिए हैं, ये 2x2 के हैं। इसको हम इस तरह त्रिभुज के आकार बनाकर फिर इसको इस तरह का शेप दे देंगे। ये हमने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। हम इसके सेंटर पर एक निशान बनाएंगे। इस निशान को हम नीचे से 3 इंच ऊपर की ओर रखेंगे। अब हमें आस्तीन की गोलाई का नाप लेना है, तो 10 इंच गोलाई है, इसका आधा 5 इंच और 5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। 1 इंच हमें छोड़कर यहाँ तक इस निशान को मिला देना है। इसी तरह हम इधर भी ये निशान बना लेंगे। ये हमने निशान बना लिया है और इस पर हम ये पीसेस अटैच करेंगे। हमें सेंटर से पीसेस को अटैच कर शुरू करना है। इस तरह से दूसरी साइड भी हमें सारे पीसेस अटैच कर लेने हैं। ये हमने सारे पीसेस अटैच कर लिए हैं और इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा देंगे। लेस लगाते टाइम हमें सिलाई को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। इस तरह से अब हम नीचे की तरफ पाइपिंग लगाएंगे। तो एक मैंने उरेब पट्टी काटी और इसकी किनारे को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने किनारे को फोल्ड कर लिया है। और इस पट्टी को सेट कर लेंगे। 1 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। इस तरह से पट्टी को हमने सेट कर लिया है और इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब हम उरेब पट्टी को सीधी तरफ रखेंगे और उल्टी साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमारी एकदम सीधी तथा कपड़ा एक बराबर रहना चाहिए, इससे हमारी पाइपिंग अच्छी बनती है। अब हम इसकी पाइपिंग बना देंगे। पीछे की तरफ मोड़कर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हम नीचे की तरफ भी लेस अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने लेस अटैच कर लिया है। ये हमने एक पीस 4x4 का लिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर हमें सेंटर से इस तरह से इस शेप में रखना है।
और हम सुई की मदद से इस तरह से इकट्ठा करके इसको धागे को चारों ओर लपेट देंगे और इसमें गांठ लगा देंगे। इस कपड़े को हम काट कर अलग कर देंगे। और इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा कुछ इस शेप में आया है और इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से सेंटर पे हमें इसको अटैच करना है। ये हमने कुछ मोती लिए हैं, हम दो मोतियों को सुई में डालेंगे, फिर इस फूल को सुई में डालेंगे और चार मोती इसके नीचे डालेंगे। एक हमने छोटा मोती यहाँ पर लिया है, इस तरह से इसको डालकर छोटे मोती को छोड़कर बाकी सब में फिर दोबारा से सुई डालकर अंदर की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से ऊपर वाले मोती में भी अंदर से सिलाई डालकर नीचे की तरफ निकालकर गांठ लगा देंगे। इस तरह से हमारी आस्तीन बनकर रेडी हो गई है। इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।